नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं पालक पनीर पराठे। थाल में 2 कप आटा डालें, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, एक बड़ा चम्मच घी या तेल डाल के अच्छे से मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर ले। और कपड़े से ढककर रख दें। 150 ग्राम फ्रेश पालक को बारीक काट लें। ढाई ग्राम पनीर को हाथ से मैश कर लें। आधा बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हींग, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लें। पहले से बारीक कटी हुई पालक को डालकर अच्छे से मिला लें। साथ ही आधा बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालें और इसे भी मिला लें। गूंदे हुए आटे से 1 लोई निकालें और इस तरह से पालक पनीर का मिक्सर डालकर पैक कर दें। गरम तवे पर बेले हुए पराठे को रखें और दोनों तरफ गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लें।
गर्मा गर्म पराठे को दही, चटनी, सॉस किसी के साथ भी सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।